उनको पता है कि किसने वोट दिया। अनपढ़ ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये भी नहीं है, इनको भी पता है कि क्या बोल रहा बच्चा। सपोर्ट कर रहा हूँ जो हमारे साथ खड़ी हुई थी। तो मोहर किस पे भरवाएंगे? तू नंबर कितने सकल पे है भाई? कोई वोट देगा तो किस पे देगा? हाथ पे देगा। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुनिए। वो क्या करने के लिए खड़ी है? स्वागत है आपका द मिथिला में, और मैं हूँ अमन। मौजूद हूँ मैं बुलंदशहर की धरती पर, और बुलंदशहर में हमारे साथ मौजूद है अंगद सिंह, जो पूनम पंडित कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। किसान आंदोलन में आपने बहुत इनको देखा है, पहली बार ये राजनीति में आए हैं और राजनीति से हटकर राजनीति को समर्थन देने आए हैं। तो छोटे हैं उम्र में, लेकिन काम और बोल दोनों ही बड़े हैं, राजनीति में जुड़ गए हैं। राजनीति में मैं नहीं जुड़ा। तो ये क्या है, समाज सेवा है? ये जो किसान आंदोलन में हमारे साथ रही और बहुत अच्छे से उन्होंने बोला, मेरी बहन पूनम पंडित, उनका सपोर्ट करने आया हूँ मैं, कोई राजनीति में नहीं आया। आप राजनीति से हट करके हैं, पूनम पंडित के साथ हैं? बिल्कुल। ये कहना चाहते हैं, अगर ये कहे मिठाई मिठी है लेकिन शक्कर से हट के, मानेंगे क्या? वही आप बोल रहे हैं, आप तो वही हमें चेता रहे हैं कि भैया मान लो मिठाई मिठी है लेकिन इसमें शक्कर नहीं है। पूनम पंडित कांग्रेस की प्रत्याशी है, राजनीति में आप उनका समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं राजनीति में आता ना तो फिर नारे में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी लगा। लग रहा है आपको मेरा उदाहरण समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझ आ गया। कहाँ समझ में आया? आया ना, फिर से मैं समझाता हूँ। एक बात बता रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात सुनिए। अगर मैं राजनीति में आता, किसी पार्टी को सपोर्ट करता, तो मैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाता। और किसी में पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर मैं पार्टी को सपोर्ट करता तो मैं मानता कि मैं राजनीति में आया हूँ। हमारे साथ रही, उन्होंने हमारे साथ बहुत सपोर्ट दिया। मैं अगर कोई पार्टी के साथ रहता तो मैं बस अभी पार्टी के साथ। वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं, आप उनके समर्थन में आए हैं ना? पूनम पंडित के, पूनम पंडित के वोट मांगने आए हो? क्या करने के लिए आए? मैं उनके समर्थन में आया हूँ। क्या कर रहे हैं, वोट मांगने समर्थन में थोड़ी ना आया हूँ? वोट मांगने आप? मैं उनके साथ जा रहा हूँ। उनके साथ जा रहे हैं क्योंकि वो किसान आंदोलन में हमारे साथ रही। अच्छा, अपना घर परिवार छोड़। तो लोगों को क्या कह रहे हैं जाकर के, कि मेरी शक्ल देखो या मुझे इनको पूनम पंडित को वोट दो? क्या मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप सियाना विधानसभा का भला चाहते हैं तो इस मेरी बहन पूनम पंडित को वोट दीजिए। कहाँ वोट दीजिए? कांग्रेस के हाथ छाप पे ना? कांग्रेस के हाथ छाप पे ही देंगे, देनी तो उधर ही पड़ेगी। तो मैं ये थोड़ी ना, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि कांग्रेस के, मैं ये सीधा सीधा मान क्यों नहीं लेते कि हाँ मैं समर्थन दे रहा हूँ? आप जितना घुमाएंगे मैं उतना घुमा के लाऊंगा। मान तो रहा हूँ कि मैं पूनम पंडित जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दो तीन मिनट वीडियो चल गई, अभी क्यों बोल रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए कि हाँ मैं कांग्रेस के समर्थन में, पूनम पंडित के समर्थन में हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। सीधा सीधा बोलिए। पॉलिटिक्स अब जब तक अपने दिल, आप खुद अपने मुंह से नहीं मानेंगे ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिक्स में 18 प्लस आदमी आता है जब वो वोट देता है। क्यों जरूरी है? जरूरी है, विचारधारा नहीं होती है? विचारधारा एक अलग चीज है। विचारधारा नहीं थी किसान आंदोलन में कि सरकार के खिलाफ थे आप? ये आपकी विचारधारा नहीं थी? सरकार के खिलाफ नहीं था मैं, किसान वो जो तीनों काले कानून बनाए थे उनके खिलाफ था। कानून किसके? और ये पूरा आंदोलन खिलाफ था। अच्छा, कानून किसने बनाया था? कानून बनाया था मोदी जी ने। तो उनके खिलाफ नहीं गए थे आप? उनके खिलाफ थोड़ी ना गए, वो तो इंसान है, उनसे गलती हो जाती है। अच्छा, हम तो इन कानूनों के खिलाफ से, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप कानून वापस करो। आप सरकार के खिलाफ जाते हैं या नहीं जाते हो? मैं सरकार के खिलाफ गया था या नहीं? नहीं गया था, नहीं गया। कानूनों के खिलाफ गया था और ये पूरा आंदोलन उन कानूनों के खिलाफ। ये बात तो कभी राकेश टिकैत भी नहीं बोले कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, जब सरकार के खिलाफ आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। राकेश टिकैत जी नहीं बोले तो ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बोले, पर जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे। वो तो बोलते हैं, अभी भी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो सीधा सीधा पॉइंट पे बोलते हैं कि भाई बीजेपी को वोट छोड़ करके किसी को भी वोट दे दो, बोलते हैं। हाँ, बोलेंगे हैं। बिल्कुल, मैं भी बोलता हूँ। हाँ, तो ये राजनीति में नहीं है। उस 700 किसानों की हत्या वाली पार्टी को वोट मत देना। कुछ लोग बोलते हैं आप अपने लाइमलाइट में रहने के लिए यूपी इलेक्शन में आ गए। इसके लिए बहुत मुद्दे हैं, मुझे अपना फेस चमकाना होता था, और भी बहुत मुद्दे हैं। अब देखेंगे तो यूपी का विकास का मुद्दा है, मैं इधर भी तो जा सकता था, पर मैं क्यों आया पूनम पंडित जी के यहाँ? सिर्फ पूनम पंडित को समर्थन देना है या यहाँ के जो लोग हैं जो वोट देंगे वो उन दीदी को इस लायक समझेंगे? आपकी वो कौन सी बात मान के पूनम पंडित को वोट दें? क्योंकि जैसे वो 13 महीने तक किसानों के साथ बैठी रही, अपना घर परिवार छोड़ के, नहीं तो कौन बैठता है? वो बैठी 13 महीने तक। जनता को क्या लेना देना? पूनम पंडित 13 महीने या 14 महीने बैठे किसान आंदोलन में, जनता को क्या लेना देना? जनता को तो चाहिए कि हमारे लिए ये क्या करेगी। तो जब आप वो ठगों को वोट दे देते हो, एक बार विश्वास इस पे भी करके देख लो, इस लड़की पे। विश्वास के नाम पे तो आजादी के बाद देश की जनता बर्बाद हो चुकी है, अब फिर क्यों बर्बाद हो? एक 5 साल और क्यों बर्बाद हो? क्या देने वाले हैं आप लोग उसको, क्यों दे वोट? इन्होंने तो कितने साल बर्बाद कर लिए यूपी के। अब जब मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो काम ना करें तो मैं, मुझे मुझसे बात करना आप लोग।
फिर आप कह दोगे कि यार मैं तो बच्चा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में था ही नहीं। आज ये वीडियो हमेशा रहेंगी। हाँ। फिर करना इनकी अभी आपने कितना घुमाया मुझे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि मैं पॉलिटिक्स में आई नहीं हूँ, अराजनीतिक हूँ मैं। राजनीतिक तो हूँ, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। तो फिर वो आपके पास क्यों जाएंगे? आप तो सीधा मुंह पे मना कर दोगे, आप सामने से ही मना कर दोगे मैं राजनीति में था। सुन तो लीजिए, मैं राजनीति राजनीतिक नहीं हूँ, मैं अराजनीतिक हूँ और मैं एक आंदोलनकारी बन। ये आप झूठ बोल रहे हैं सरासर, क्या राजनीतिक हूँ मैं? अब मैं एक आंदोलनकारी बन चुका कांग्रेस के कार्यालय में बोले मैं अराजनीतिक हूँ। कांग्रेस का कार्यालय थोड़ी ना, कार्यालय का छत है वहीं पे। आप सुनिए, ये एक धर्मशाला है, ये एक धर्मशाला है, ये कोई कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, ये एक धर्मशाला है। अरे कार्यालय नहीं है भाई वहाँ पे, और आप भी आप थोड़ा और पढ़ते, वहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला लिख रहा है। बाहर कार्यालय का बोर्ड लगाया है अंगद जी, आप पढ़ के नहीं आए, इसका मतलब अंदर बाहर वो अग्रवाल धर्मशाला वो गलत लिख रहा है। फिर तो बोर्ड तो लगाया ना कार्यालय का, बोर्ड लगाया और इतने सारे बैनर जो है कांग्रेस के वो गलत है। फिर कहा सिंह है, ये दोनों है, कांग्रेस का कार्यालय भी है। आप अगर ऐसे बोलेंगे दो तरफी बात तो जनता तो कभी वोट नहीं। दो तरफी बात मैंने कब करी? पूनम पंडित के लिए वोट मांगने जा रहे, फिर भी बोल रहे मैं राजनीतिक हूँ। राजनीतिक हूँ भाई, जो किसानों के साथ खड़ी हुई है मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। सिर्फ किसानों से देश का मुद्दा हल नहीं होता, मुद्दा हल होता है एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस पे मुद्दा नहीं, ये सब मुद्दा नहीं आपके लिए? हम करेंगे ना, अब रुकिए तो सही, जब हम अभी यूपी चुनाव है, यूपी चुनाव में बिजी है, जब इसके बाद फ्री होंगे। अभी पंजाब कितनों के लिए करेंगे? कितनों के लिए करेंगे आप? कितनों के लिए? जो मुझे बुलाएगा, जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और अगर वो मुझे बुलाते हैं, आपने कहा पूनम पंडित को, पूनम पंडित जहाँ की प्रत्याशी है मान लेते जीत जाती है, उसका विकास हो जाएगा, बाकी लोग का क्या? बाकी लोग अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा ना। समाज सेवा कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, पूनम पंडित को ही समर्थन कर रहे हैं ना, समाज सेवा से रिलेटेड है ना। मैं पूनम पंडित को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं गरीब मजदूर किसान विद्यार्थी इनकी आवाज उठाऊं। गरीब मजदूर और किसान विद्यार्थी तो पूरे देश में है, अब पूरे स्टेट में है, तो यूपी का इलेक्शन पहले यूपी में जाइए, उत्तराखंड में, पंजाब में, समझ जाइए ना। जाएंगे ना, पूरे यूपी में कहाँ नहीं जा रहे हैं आप? आप आएंगे ना, आपको तब पता लगेगा, आपको पंजाब आएंगे तब आपको पता लगेगा कितने काम वहाँ पे हो रहे हैं, कितना क्या नहीं हो रहा, कितना क्या हो रहा है। जब आप आओगे नहीं तो आपको पता कैसे रहेगा? आपको यूपी की जनता की बड़ी फिक्र है, लेकिन आपके बड़े करीब में पंजाब है, उसकी फिक्र नहीं है। पहले आपको पंजाब में होना चाहिए, पहले यूपी में होना चाहिए? मैं पंजाब में भी हो गया हूँ, पंजाब में हमने कर लिया है, तब हम यूपी में आए हैं। और यूपी में उसी जगह पे जहाँ पे कांग्रेस की प्रत्याशी पूनम पंडित है, बाकी के प्रत्याशी क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया इसलिए हम आए हैं, नहीं तो हम मथुरा में भी गए थे, मथुरा में हम गांव-गांव गए हैं। जहाँ पे नहीं बुलाएंगे वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ की जनता भाड़ में जाए। क्यों भाड़ में जाए भाई, यही तो कहना। जब उन्होंने एक बार न्योता दिया है, इतने अच्छे से उन्होंने बुलाया है, तो हम जाएंगे। अब जब इधर से फ्री होंगे तो आगे भी जाएंगे जगहों पे। तो ब्रांड एम्बेसडर हैं आप? ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया, आप लोगों ने बनाया मुझे। अच्छा, मैं खुद नहीं बना। आप मान लिए बात को कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, मानते हैं इस बात को? अब भाई सब कहते हैं, जब पूरी दुनिया कह रही है तो मानना तो पड़ेगा। क्या कहती है? 56 इंच का सीना आपका, मेरा मानना पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं है, नहीं है, ये भी मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, सारी दुनिया कह रही है। सारी दुनिया ये नहीं कहा, आपने कहा है। बुलवा दूंगा, बुलवा देना तब मान लेंगे। आपने कहा था प्रधानमंत्री मुझे बनना है, उसी के रिहर्सल कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जब मुझे बनना होगा मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की फिर कोई जरूरत नहीं है। पूनम पंडित का सहारा नहीं लेंगे भाई? अगर वो मेरा सपोर्ट करने आएंगी तो उनका वेलकम है। क्यों भाई, वो आपका सपोर्ट कर, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, क्यों नहीं आएगी? आए तो उनका वेलकम है भाई। नहीं आएंगे तो बुलाएंगे नहीं। देखिए, जब जिसको कोई अपनी मर्जी से आना हो तो आए, खुशी से आए। जैसे आपको बुलाया गया, जब मुझे बनना होगा तो मैं अपने दम से बन जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में आप किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? उत्तर प्रदेश, ये राजनीतिक बयान है तो हम, मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं राजनीतिक हूँ। फिर आप ये बात कहोगे कि अब आपने राजनीतिक बयान दिया, आप राजनीतिक हो। इतने देर से घुमा रहे हैं केवल, जबकि आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। एक कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए आए, उसके ऑफिस की छत पर बैठे हुए हैं, क्या आप मानते इस बात को कि कोई बंदा राजनीतिक हो सकता है? एक 8-9 साल का बच्चा इतना घुमाया जा रहा है हम लोग को, 2 रिपोर्टर को घुमा रखा है। सुनिए, अरे सुनिए भाई, आप लोग ना कमेंट करके बता देना कि मैं राजनीतिक हूँ कि राजनीतिक हूँ। जो ज्यादा कमेंट आएंगे ना उस पे फिर आप वीडियो। अरे कमाल की बात कर रहे हैं भाई, आप तो बैठे हुए छत पे, मैं बता भी देता हूँ, फिर बार बार बोल रहे हैं राजनीतिक हूँ मैं, कैसे आ रहे हैं? अरे कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी पूनम पंडित, आप उनके समर्थन में आए राजस्थान से? पहली बात, हम धर्मशाला में आए हैं, धर्मशाला में, राजस्थान से धर्मशाला में रहने को आए? रहने थोड़ी ना, तो क्या के लिए आए बताइए, पहले आप ये बताइए, सपोर्ट में आए तो क्या करने के लिए खड़ी है? मेरी बात सुनिए, वो क्या करने के लिए खड़ी है? वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ी है, तो इलेक्शन नहीं है, वो राजनीति नहीं है? राजनीति में कैसे आ गया अभी राजनीति में भाई? इलेक्शन राजनीति में नहीं तो और किसमें भाई? समाज सेवा में नहीं है? मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ,
मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ जो हमारे साथ खड़ी हुई थी। तो मोहर किस पे मरवाएंगे? पूनम पंडित के शकल पे? भाई कोई वोट देगा तो किस पे देगा? हाथ पे देगा। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूनम पंडित को वोट दो। अरे तो दो तो वो बंदा पूछेगा ना कि किस पे दो, बताओ किस पे मोहर लगाऊं। इतना अनपढ़ नहीं है आजकल के लोग, तो उसको पता है, उनका पता है कि किस पे वोट देगा। वो अनपढ़ जो वीडियो देख रहा है ना, ये भी नहीं है, इनको भी पता है कि क्या बोल रहा बच्चा। नहीं है ना, वो कमेंट करेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन बनेगा, कौन बताएगा, बताइए। सीएम जो यहाँ का यूपी का, हाँ बताइए। किसान का बेटा बनना चाहिए। किसान का बेटा कौन है, आप ही बता दीजिए। किसान का बेटा बनना चाहिए, इतनी सी बात, बस सिंपल। किसान का बेटा एक ही कहलाता है, वो है जयंत सिंह। जयंत सिंह तो हाँ, जयंत चौधरी। वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो है नहीं। मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने सिंपल एक बात कही है कि किसान का बेटा बनना चाहिए। मेरा सिंपल एक बात है कि आप क्लियर क्यों नहीं कर देते प्रियंका गांधी? भाई मैं क्यों कहूँ? क्यों नहीं कहेंगे? पूनम पंडित उसकी प्रत्याशी है और वो इलेक्शन लड़ रही है और कांग्रेस से टिकट लिया है, आप उसके समर्थन में आए हैं। राजनीतिक हूँ मैं तो, इसलिए मैं राजनीतिक बयान नहीं। ये तो आप 10-15 मिनट की वीडियो में झूठ साबित हो गया आपका, आप राजनीतिक नहीं है। वो कमेंट कर देंगे।